विजयादशमी पर त्रेता युग के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के सरयू तट पर कलयुग के रावण का अंत कर 41 फुट के प्रतीकात्मक रावण का दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। दरअसल राम नगरी में कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत अयोध्या की रामलीला को देश दुनिया में लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया और इस रामलीला में बॉलीवुड के कई किरदार अलग अलग भूमिका में दिखाई दिए। 6 अक्टूबर से शुरू हुआ रामलीला के आखिरी दिन भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए संघर्ष के बाद रावण को पराजित कर माता सीता को अयोध्या लेकर पहुँचे, जहाँ भरत से मुलाकात के बाद राज्याभिषेक किया गया और भगवान राम एक बार फिर अधर्म पर धर्म की विजय पाकर अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हुए। इस दौरान लक्ष्मण किला के मैदान में होने वाली रामलीला स्थल पर 41 फुट के रावण का दहन किया गया। अयोध्या की रामलीला में सांसद लल्लू सिंह, जिलाधिकारी अनुज झा, SSP शैलेश पांडे के साथ अयोध्या के संत महंत भी मौजूद रहे। वहीं अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम की आध्यात्मिक की नगरी है और भगवान राम इस धरती से पूरे देशवासी को शुभकामनाएं देते हैं और जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया है उसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान के इस रास्ते पर चलकर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, प्रभु श्री राम इस देश की संस्कृति है। हम पूरे देशवासियों को, अयोध्या के पूज्य साधु संतों को, सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने समाज को जोड़ने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसी अभियान को चला रहे हैं, हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, अयोध्या।